वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया चैंपियंस। सो आज इस वीडियो में हम फिर से नई शुरुआत के साथ आपके साथ जुड़े हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैंक बूस्टर की। जी हाँ, विच बूस्टर प्योर रैंक। और ये रैंक बूस्टर सीरीज आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपको मदद करेगी रैपिडली रिवाइज करने में। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कम समय में पूरी नॉलेज आपको उस टॉपिक की मिल जाए। तो आज हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के रैंक बूस्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं और पहला रैंक बूस्टर हमारा होने वाला है आज नेम ऑफ लेबोरेटरीज एंड देयर प्लेसेस इन इंडिया। रैंक बूस्टर वन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, देखिए कि कौन सी लेबोरेटरी कहां पर है इंडिया में, ये पूछा जाता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, फार्मासिस्ट, डीआई, नाइपर जैसे एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम यहां पर सारी लेबोरेटरीज वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, पर मैं यहां पर कहूंगा कि आपको याद करना ही करना है। तो चलिए मूव करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे नेम ऑफ लेबोरेटरी और वो कहां पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहली जो लेबोरेटरी है वो है हमारी गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री। देखिए, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री हमारी दो जगह, गाजीपुर और नीमच, याद रखिएगा। और एक और बात बता दूं, ओपियम हमारा एक कैप्सूल की फॉर्म में हमें मिलता है, कैप्सूल की तरह दिखता है, इस तरीके का चीरा लगा के हम इसमें से क्या एक्सुडेट निकालते हैं, ठीक है। दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, वो है हमारा चंडीगढ़ में, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आईसी, आईसी के नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है। ओपीएम के लिए गाजीपुर और नीमच हो गया। बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी हमारी कहां पर है, चेन्नई में, बीसी फॉर चेन्नई, ऐसे याद कर सकते हैं। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमारी कहां पर है, कोलकाता में है। CDRI हमारी लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, CDRI लखनऊ। नेक्स्ट मैं बात करूंगा CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है CDRI, ये है CRI, ठीक है। और CRI हमारा किसके लिए होता है, ये होता है एंटी टॉक्सिन, सेरा वैक्सीन और एंटीजन की टेस्टिंग के लिए, ये है आपका कसौली के अंदर। और उसके बाद है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, IDMA कहां पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजात नगर, आई फॉर इंडियन एंड आई फॉर इजात नगर, इस तरीके से याद रख सकते हैं। सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी जो की है आपकी गाजियाबाद में, CIPL। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोलॉजी, पुणे में है। इंडियन प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन सेंटर, मुंबई। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज योर NICD, जो की ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए है, न्यू दिल्ली में। आगे मैं बात करता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। अब देखिए पुणे में दो चीजें हो गई, एक ये हो गई, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जो मुंबई में है, चेन्नई में है, सबको इकट्ठा आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका मुंबई, मुंबई, ये दो चीजें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मुंबई। अब जितनी चीजें मुंबई में है वो एक जगह आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। मुंबई, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर मुंबई में है। डाबर रिसर्च फाउंडेशन गाजियाबाद में है। एक तो फार्माकोपियल सेंटर हो गया और एक हमारा डाबर रिसर्च फाउंडेशन हो गया। नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट आपका जयपुर में है, जय, जय के नाम से याद रखिएगा, जय करते हैं ना तो आयुर्वेद याद आ जाता है, हाथ जोड़ के आयुर्वेदिक, ठीक है। उसी के बाद ब्रिटिश फार्माकोपियल कमीशन आपका लंदन में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। उसी के बाद पेटेंट ऑफिस जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आपका है पेटेंट, जो कि 1970 में आया था, 1970 में एक्ट आया था पेटेंट, बी फॉर विक्ट्री, जब पेटेंट मिल जाता तो एक तरह की जीत होती है, याद रखिएगा। उसी के बाद पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर,
पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है वो है नागपुर में। यहाँ पर पेटेंट ऑफिसेस की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन सेंटर आपका नागपुर में है, संतरों के शहर में, ठीक है। और यूनेस्को का जो है वो है पेरिस में है हेडक्वार्टर, और मेनली यूनिसेफ का है फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन डीसी के अंदर देखा गया है, ठीक है। तो ये है कुछ लैब्स के प्लेसेस और इंडिया और इंडिया के बाहर भी, ठीक है। यहां पर ये कुछ और मैं यहां पर क्लियर करता हूं, क्वेश्चन यहां से कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया, फेस इट, फाइट इट, अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। थैंक्स एंड स्टे ट्यून्ड।